Now we will see one numerical related to rasterization or a generation of quadratic Bezier curve. यहाँ पे हम quadratic Bezier curve generate कैसे करते हैं उससे related numerical है. Numerical दिया हुआ है. Construct a Bezier curve of order 2 with vertices of control polygon as P0, 00, P133, P260. Then generate at least 5 points on the curve. So basically क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व क्या होता है ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था. तो कोई भी बेजियर कर्व को क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व तब कहा जाएगा जब उसके लिए अगर कोई इक्वेशन बन रहा है तो उस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 2. तो बेसिकली हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है तो ऐसे कर्व को क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व भी कहा जाता है या फिर ऑर्डर 2 बेजियर कर्व भी कहा जाता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है Bezier curve of order 2. Order 2 Bezier curve means quadratic Bezier curve. After that, quadratic Bezier curve अगर आपको rasterize करना है तो at least आपको total 3 control points दिए हुए होने चाहिए. P0, P1, P2. तो basically यहाँ पे order 2 यानी quadratic Bezier curve rasterize करने के लिए फिर से 3 control points दिए हैं. P0, 00, P133, P260. तो P0 के जो coefficients रहेंगे उनको हम X0, Y0 कहेंगे. तो P0, X0, Y0, it will be 00. That's why X0 is 0 and Y0 is 0. Then P1, X1, Y1, X1, Y1 value we have 33. And then P2, 6, 0. That is X2, Y2, we have 60. Then it is asked, we have to generate at least 5 points on the curve. So basically whenever we are talking about any particular Bezier curve, और एनी काइंड ऑफ कर्व तो कर्व हमेशा हमारा कंटिन्यूअस कर्व रहेगा. तो कंटिन्यूअस कर्व मींस अनगिनत पॉइंट्स वहां पे रहेंगे. तो क्या हम अनगिनत पॉइंट्स या फिर इंफिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करने वाले क्या? तो आंसर है नो. जब कभी भी हमें कर्व रास्टराइज करना है तो रास्टराइज करते वक्त हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स वहां के कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट वो वाले पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो फिर हम कर्व को रास्टराइज कर सकते हैं. अब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो टोटल कितने पॉइंट कैलकुलेट करना है ये हमें दिया हुआ रहेगा. तो यहाँ पे दिया है कि एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको कर्व पे के बनाने हैं. तो कम से कम 5 पॉइंट्स हम बनाएंगे. और 5 पॉइंट्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किसी भी कर्व बेजियर कर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये पैरामीट्रिक कर्व है. और पैरामीट्रिक कर्व में हमारे पास एक वैल्यू होती है पैरामीटर जहां पे हम वैल्यू कंसीडर करते हैं यू की. तो ये वैल्यू होता है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच का. अगर आपको 5 कंट्रोल पॉइंट्स अगर आपको बनाना है तो 5 कंट्रोल पॉइंट्स बनाने के लिए यू के डिफरेंट डिफरेंट 5 वैल्यूज आपको कंसीडर करने पड़ेंगे. अब 0 से लेके 1 के बीच के कोई भी 5 पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हो बट वैल्यूज आप ऐसे कंसीडर करो ताकि वो 0 से लेके 1 के बीच के इंटरवल के इक्विडिस्टेंस वैल्यू हो. क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 वैल्यू 0 से लेके 0.2 के बीच के 5 वैल्यूज अगर कंसीडर कर लिए और बाकी रिमेनिंग इंटरवल को अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर रिमेनिंग इंटरवल में कौन सा वैल्यूज आएंगे ये कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत जाने वाली या फिर अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको दिक्कत जाने वाली. इसलिए बेस्ट वे है कि 0 से लेके 1 इंटरवल के बीच के इक्विडिस्टेंस वाले 5 वैल्यूज आप कंसीडर करो. तो यहाँ पे हमने इक्विडिस्टेंस वाले 5 वैल्यूज कंसीडर करके रखे. यू इक्वल्स टू 0, देन 0.3, 0.5, 0.7 एंड 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर रेंज 0 to 1. तो बेसिकली अगर 11 पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता तो फिर हम 0.1, 0.2 अब से लेके 1.0 तक के 11 वैल्यूज कंसीडर करते हैं. बट यहाँ पे हमें 5 वैल्यूज पूछा है दैट्स वाई वी हैव कंसीडर 0, 0.3, 0.5, 0.7 एंड 1. नाउ कभी भी अगर हमें क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व अगर बनाना है तो क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व बनाते वक्त उसका इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. तो व्हाट इज ए इक्वेशन? तो देयरफॉर इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व इज गिवन एज इक्वेशन था सी ऑफ यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ यू स्क्वायर इंटू एक्स इंटू पी जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ यू इंटू 1 माइनस ऑफ यू इंटू पी वन प्लस यू स्क्वायर इंटू पी टू. तो बेसिकली इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने इक्वेशन देखा था कि इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व वाज 1 माइनस ऑफ यू स्क्वायर इंटू पी जीरो प्लस
twice a into 1 minus a into p1 plus u square into p2. So we may call it as equation 1. And after that, what we have to do? Hame x coefficient or y coefficient calculate karna hai. Aur x coefficient, y coefficient calculate karne ke liye, is equation ko hum modify karenge. If you want to compute x coefficient, to value bola humne x of u. तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोल लेते हैं x of u, x कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए. तो इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ u स्क्वायर इनटू x0 प्लस ट्वाइस ऑफ u 1 माइनस ऑफ u इनटू x1 प्लस u स्क्वायर इनटू x2. तो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. और नेक्स्ट y ऑफ u अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे 1 माइनस ऑफ u स्क्वायर इनटू y0 प्लस twice of u 1 minus of u into y1 plus u square into y2. So this is what our equation number 3. तो बेसिकली कोई भी पॉइंट अगर हमें कैलकुलेट करना है बीजीय कर्व पे का, तब हमें क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट का x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो x कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे और y कोएफिशिएंट सेम पॉइंट का कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट. तो फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं फॉर u = 0. तो हियर वी विल कंसीडर फॉर u इज इक्वल्स टू 0. तो फॉर u इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम इक्वेशन 1 को बनाते हैं. तो हाउ इक्वेशन 1 लुक्स? इक्वेशन 1 विल बी इक्वल्स टू x ऑफ u, इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस u स्क्वायर इनटू x0. नाउ व्हाट इज u? u विल बी इक्वल्स टू 0. तो 1 माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू 1 और 1 का स्क्वायर 1, देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू 1 इनटू x0, दैट विल बी ओनली x0 प्लस आफ्टर दैट ट्वाइस u इनटू 1 माइनस u इनटू x1. व्हाट इज u? u विल बी इक्वल्स टू 0, इसलिए सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा? 0. तो सिंपली आई एम पुटिंग ओवर हियर 0 और बाद में हम जाते हैं ये वाले टर्म के लिए, u स्क्वायर इनटू x2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u का वैल्यू फिर से 0 लिया है, तो 0 स्क्वायर 0 0 इनटू x2 विल बी इक्वल्स टू 0. तो इट विल बी इक्वल्स टू x0 प्लस 0 प्लस 0, दैट विल बी इक्वल्स टू x0. और x0 का वैल्यू क्या है? x0 वैल्यू इज 0 एंड दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल्स टू 0. देन ये मिल गया आपको फर्स्ट पॉइंट का x कोएफिशिएंट. और y कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो फिर से इक्वेशन 2 आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज व्हाट माय इक्वेशन नंबर 2. और इक्वेशन 2 मींस दिस वन. और इस इक्वेशन में हमें u का वैल्यू कितना लेना है? 0. तो y ऑफ u कैलकुलेट करेंगे. तो y ऑफ u विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ u स्क्वायर इनटू y0. नाउ u इज 0, तो 1 माइनस u 1, 1 स्क्वायर इनटू y0 y0 प्लस ट्वाइस यू इंटू 1 माइनस यू इंटू वाई वन. ये वाला यू अगर 0 हो जाता है तो एंटायर टर्म क्या होगा? 0, दैट्स वाई 0. बाद में यू स्क्वायर इंटू वाई टू, यू की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, दैट्स वाई दिस टर्म ऑल्सो विल बिकम 0. तो इट विल बी इक्वल्स टू वाई 0. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई 0? वाई 0 इज वंस अगेन 0, देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू 0. तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या मिला? हियर योर फर्स्ट पॉइंट विल बी फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व. First point on the curve will be equals to this 0 comma 0. Therefore, we got first point 0 comma 0. So similarly, we have to use the equation and we have to go for the calculation of remaining values. So in this way, simply we have to use the equation number 2 and equation number 3. We have to take the values of u is equals to 0.3, 0.5, 0.7 and u is equals to 1 and you can compute the value. So now what you have to do? Simply you have to pause the video. You have to take both these equation और ये वाले equation में आपको u की value put up करना है 0.3. 0.3 जब आप consider करेंगे तो फिर से आपको एक x coefficient मिलेगा और y वाले equation से y coefficient मिलेगा, उससे आपको second point मिल जाएगा. Next u is equals to 0.5 के लिए फिर से आपको value calculate करना है. तो simply same mechanism आपको apply करना है. तो it's a request to you, आपका जो वीडियो है इसको पॉज कर दो और पॉज करके ये सारे के सारे वैल्यूज के लिए आपको फिर से पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं. तो हमने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करके रखा है, आपको रिमेनिंग 4 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं. तो नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू, तो यू इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमने फर्स्ट वाला पॉइंट कैलकुलेट किया था, वैल्यू मिली थी 0,0. आफ्टर दैट इफ यू हैव कंसीडर्ड यू इज इक्वल्स टू 0.3, तो आपको सेकंड पॉइंट मिला होगा. एक्स ऑफ यू मिलना चाहिए आपको 1.8 एंड वाई ऑफ यू शुड बी 1.26. तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कर्व पे का? 1.8, 1.26. देन थर्ड पॉइंट फॉर यू इज इक्वल्स टू 0.5, आपको वैल्यू मिलना चाहिए 3.0, 1.5. देन फोर्थ पॉइंट
for u is equals to 0.7, it will be equals to 4.2, x coefficient and y coefficient will be equals to 1.26. And fifth point, for u is equals to 1, it should be equals to 6, 0. फिफ्थ पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली अगर आपको x ऑफ u कैलकुलेट करना है तो आपको u का वैल्यू कितना कंसीडर करना है, 1. और u का वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 1 टोटल हो जाएगा 0, तो दिस टर्म विल बिकम 0. आफ्टर दैट 1 आपने कंसीडर किया तो 1 माइनस यू इज इक्वल टू 0 होने की वजह से सेकंड टर्म आपका हो जाएगा 0. तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म 0 और थर्ड वाला टर्म होगा यू स्क्वायर इंटू एक्स टू. तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड इंटू एक्स टू कोएफिशिएंट. तो एक्स टू कोएफिशिएंट कितना आपका 6. तो देयरफॉर 1 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 6. तो देयरफॉर हियर यू आर गेटिंग 6 वैल्यू. सिमिलरली वाई ऑफ यू कैलकुलेट करते हो, फर्स्ट दो वाले टर्म आपके 0 हो जाएंगे और लास्ट वाला 1 स्क्वायर इंटू वाई टू, वाई टू इज 0. That's why 1 into 0 will be equals to 0. Therefore, here you are getting value 0. तो in this way, अगर हमें 5 value calculate करना है, तो 5 values calculate करते हो, हमें u के अलग-अलग values consider करना था, और care ये लेना था कि u का distribution जो है, ये uniform distribution होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 0 से लेके 0.2 के बीच के पाँचों के पाँचों u के values अगर आपने ले लिए, तो definitely आप 5 points calculate कर तो सकते हैं curve के, लेकिन graphically अगर आपको plot करना रहेगा, तो फिर आपको थोड़ी difficulty जाएगी. बट अगर आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके रखा है तो अभी आप इस कर्व को ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं. तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो, सिंपली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो और एक्स एंड वाई एक्सिस को प्लॉट करने के बाद सिंपली 0, 0, 1.8, 1.26, 3.0, 1.5, 4.2, 1.26 एंड 6, 0. इस तरीके से अगर आप 5 पॉइंट को प्लॉट करते हैं और उनको अगर आप जोड़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट आपका कर्व जनरली किस तरीके से दिख रहा है. यहाँ पे अगर आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है ये थोड़ा अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने की एक टेक्निक है कि आपका बेजियर कर्व जो होता है वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से जाता है. तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट वही होना चाहिए जो आपके कंट्रोल पॉलीगॉन का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है. तो बेसिकली कंट्रोल पॉलीगॉन का फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, 0, 0. यहाँ पे देख लो आपके कर्व का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 0, 0. सिमिलरली लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है आपका, 6, 0. एंड हियर यू आर गेटिंग लास्ट पॉइंट 6, 0. तो यू हैव टू टेक दिस केयर. हमेशा आपका बेजियर कर्व अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो बाय क्यूबिक बेजियर कर्व हो, क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व हो, या फिर किसी भी ऑर्डर का बेजियर कर्व हो, बेजियर कर्व का फर्स्ट पॉइंट और हमेशा लास्ट पॉइंट कंट्रोल पॉइंट के थ्रू गुजरेगा, लेकिन रिमेनिंग पॉइंट जो होंगे वो अप्रोक्सीमेट होंगे बाय कंट्रोल पॉलीगॉन या कंट्रोल पॉइंट. तो कंट्रोल पॉइंट से आपके रिमेनिंग पॉइंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हो रहे, जबकि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका फर्स्ट वाले और लास्ट वाले कंट्रोल पॉलीगॉन के पॉइंट के थ्रू जा रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रास्टराइज अ क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व.